आज हम जानेंगे पूरी फ्रीजर में कैसे बनाएं और एक ऐसा कमाल का हैक जिसे सर्दियों की सारी समस्याएं आपकी हल हो जाने वाली है और भी बहुत ही यूजफुल हैक्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल टिप तो आज हम तवे पर चावल को गरम कर रहे हैं जो भी चावल आप खाने में यूज करते हैं उस चावल को आपने लेना है और यहाँ पर दो मिठे इतने चावल को हमने हल्का गरम करना है बहुत तेज गरम नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर आप इसे गरम कीजिएगा और इसे गरम करने के बाद हमने इसमें एक चीज और ऐड करनी है ये है लहसुन यहाँ पर लहसुन को भी हमने अच्छे से बढ़िया से गर्म कर लेना है मेरे पास छोटा वाला लहसुन है इसलिए मैंने ये वाला लिया है आपके पास कली वाला है तो टुकड़े कर लीजिएगा और आठ दस टुकड़े आपने इस चावल के साथ मिला लेना है और बढ़िया इसे अच्छे से गर्म कर लेना है ध्यान रखना है इसे इतना ही गर्म करना है जितना की आप इसको सह सके डेढ़ से दो मिनट के बीच में अच्छे से बढ़िया से ये गर्म हो जाएगा टच करके आप इसे जरूर चेक कर लें बहुत ज्यादा आपने इसे गर्म नहीं कर लेना है इसके बाद में एक बर्तन में आप इसे ट्रांसफर कर लें अभी इसी गर्मा गर्म चावल का हमने यूज करना है तो आपने लेना है कॉटन वाला साफ सुथरा जुराब जो आपके घर में रखा हुआ है इस जुराब में ये जितना भी गर्म चावल हमने करा है इस सबको इसके अंदर ट्रांसफर कर लेना है इसके बाद देखेंगे ये एक पोटली जैसा बनके रेडी हो चुका है और इसी तरीके का हमें चाहिए अगर आप जुराब का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई सा कॉटन का कपड़ा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं और हमने इस चावल की एक पोटली बना के रेडी कर लेनी है ये पोटली आपकी सर्दियों की बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने वाली है जैसे ही ठंड का सीजन स्टार्ट होता है वैसे ही बढ़ती उम्र के लोग हो बच्चे हो जवान हो सबको ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि पुराना कोई दर्द है वो उठ जाता है यानी कि वो दर्द ठंड में हमें होने लग जाता है हो सकता है पुराना कभी कोई चोट लगी हुई है या कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो वो पुरानी चोट बिना उभर, उभर के आती है। तो इस तरह के दर्द के लिए हमें टेबलेट ना लेने की बजाय इस तरीके से आप गर्म पोटली का यूज कीजिए जिसमें हमने चावल का यूज किया है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर चावल ठंडा हो जाता है तो बीच में आप इसे वापस हिलाएंगे तो चावल फिर से गर्म हो जाता है।, है ना कमाल का है आज के टाइम में ज्यादातर खाने की चीजें इस तरह के पैकेट में आती है और इन पैकेट को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं पर ये पैकेट ना बहुत अच्छे से हमारे काम आ सकते हैं तो मैं इसका यूज करके बता रही हूँ पानी की बोतल पे ये पानी की बोतल लीकेज करती है इसकी वजह से मेरा बेटा इसे स्कूल नहीं ले जाता है आज मैं इसको इस वेफर की मदद से अच्छे से पेक करके उसे दिखाने वाली हूँ ताकि अगली बार वो इसी तरीके को यूज करे और ये बोतल भी वो यूज करे भले स्कूल ना ले जाए ट्यूशन तो वो इसे लेके जा ही सकता है तो यहाँ पर हमने इस पेपर को कट कर लेना है और इस तरीके से ना गोल आकार में इसको कट करना है ताकि इसकी अच्छे से ये फिट हो जाए तो यहां पर मैं इसे लगा के देख रही हूँ हाँ मुझे कुछ इस तरीका ही चाहिए तो जितना भी बड़ा आपका कंटेनर है उसके हिसाब से आप इस वेफर की कटिंग कर लीजिए जो भी पैकेट आपके पास खाने पीने के आते हैं इसी का ही हमने यूज करना है दूसरे प्लास्टिक का बिल्कुल गलती से मत यूज कीजिएगा क्योंकि पानी को भी हम डायरेक्ट पीने में लेते हैं इसी तरीके से सेव मिक्सचर हुआ जो की बहुत जल्दी खोलने के बाद मॉइस्चर पकड़ लेता है अगर आप उसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको भी पैक करने के लिए आप इसी तरीके के वेफर का यूज करें ये वेफर अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करके रखता है है जल्दी से जो भी चीजें हैं वो ना ही लीकेज होती है ना ही उसमें हवा लगती है ये बहुत ही कमाल का हैक है कि इसे करके देखिएगा इस बोतल पे मैंने इस वेफर को यूज किया है और ये देखिए इसमें से पानी बिल्कुल लीकेज नहीं हो रहा है तो इस तरह के वेफर को फेंकने से पहले आप इस तरीके से यूज ले ही सकते हैं और इसे यूज करने में किसी तरह का को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें खाने पीने की ही चीज आती है जिसे हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो है ना कमाल का हैक ज्यादातर घर में मीठा बनाने के लिए हम स्पेशल बर्तन का यूज करते हैं पर कभी कभार क्या होता है ना बर्तनों की कमी होने की वजह से जो बर्तन में हम डेली खाना बना रहे हैं उसमें हमें मीठा बनाना पड़ जाता है पर इसकी वजह से क्या होता है ये जो बर्तन है ये हमारे रोज के खाने में यूज होते हैं इसमें मिर्ची वाला खाना बनता है जिससे हम मीठी रेसिपी इसमें बिल्कुल नहीं बना सकते हैं अगर बना भी लेते हैं तो इस बर्तन का जो स्वाद है वो उसमें चला जाता है जिसकी वजह से जो हमारी मीठी रेसिपी है या कोई भी अलग रेसिपी है वो खराब हो जाती है तो देखिये ये वाली एल्युमिनियम कड़ाई आज हम इसमें मूंगफली की चक्की बनाने वाले हैं तो इसमें हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी मिर्ची वाली चीजें इसमें बनती जाती है इसमें मैं सब्जी ही बनाती हूँ पर मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई है अगर आपके पास भी ऐसा होता है तो आपने ये ट्रिक जरूर यूज करना है हमने लेना है पानी पानी में लेना है एक चम्मच मीठा सोडा और उसके बाद में ही यहाँ पे डिस जेल ले लीजिए या कोई सा भी बर्तन धोने का जो साबुन आप यूज करते हैं थोड़ा सा उसे लेना है और बड़े से अच्छे से यहाँ पर इसे मिला लेना है इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से ना एक झाग बन के रेडी हो जाता है यही हमें चाहिए तो बहुत ज्यादा नहीं यहां पर चार से पांच मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसमें बॉयल आने देना है ताकि इसके अंदर की जितने बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाए इसमें पहले से जो मिर्ची वाला खाना है उसका जो स्वाद है वो ना के बराबर आ जाए यानी कि हमने इसके अंदर का जो मिर्ची वाला स्वाद है जो नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से नहीं निकलता है और आपको अगर कुछ मीठा बनाना है तो जो भी आपके डेली यूज होने वाले बर्तन है आप उसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं अच्छा अगर इसे आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा झाग बन जाता है कढ़ाई तो हमारी क्लीन हो गई है उसके बाद में भी इस सॉल्यूशन का हम क्या यूज कर रहे तो आपके घर में स्क्रब होंगे जूना होंगे जो कि बर्तन क्लीन करने के लिए यूज किए ही जाते हैं उसको आपने इसमें डीप कर देना है और अच्छे से इसमें स्क्रबिंग करते हुए इस बर्तन को भी क्लीन कर लेना है और जो जूना है आपके वो भी बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे क्योंकि हम बर्तन धोने के लिए इनका यूज करते ही हैं सॉल्यूशन जो बच गया है इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है गर्मा गर्म सोल्यूशन का हम यूज कर सकते हैं घर के उस एरिया में जहां पर क्लीनिंग कम होती है ये जो सिंक वाला एरिया होता है ना जिसका पाइप वाली जगह होती है इसको एरिया का क्लीनिंग बहुत कम होता है जो बाई है वो इस एरिया में ना पोचा ही नहीं लगाती है यानी ना के बराबर वो इसे क्लीन करती है चाहे तो वो झाड़ू लगा देती है कभी कभी वो भी नहीं करती तो ये एरिया ना मेरा बहुत ज्यादा गंदा होता है तो आपके घर में भी कुछ एरिया ऐसे जरूर होंगे जो कि डेली क्लीन में नहीं होते मंथली उसकी क्लीनिंग होती है या वीकेंड पे उसकी क्लीनिंग होती है तो उस एरिया में आपने इसे डाल देना है, जो भी एरिया बहुत ज्यादा गंदा है तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है क्योंकि सोल्यूशन गर्म है इसमें हमने मीठा सोडा मिलाया है बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाया है तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है बस आपने इसे अच्छे से फैला है दस मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि इसके ऊपर जितने भी जिद्दी दाग है वो अच्छे से रिमूव हो जाए तो देखिए बढ़िया से मैंने इसे अच्छे से स्क्रबिंग करा है इसके बाद मैं पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ इसे थोड़ा सा और स्क्रब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा ध्यान से देखिएगा मैं आपको बहुत गंदा सरफेस दिखाई हूँ और अब ये देखिए कितने बढ़िया से ये सरफेस अच्छे से क्लीन हो गई है जितने पीले दाग है वो भी क्लीन हो गए हैं पूड़ी तो आपने बहुत बनाई होगी आज हम पूड़ी बनाएंगे फ्रिज की मदद से तो कैसे बनाएंगे ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इस प्रॉब्लम को हर कोई फेस करता है तो देखिए हम महिलाए हैं पूड़ी खाना पसंद करती भी है और हमारे बच्चों को भी हिलाती है तो जब भी आप पूड़ी बनाते हैं डायरेक्ट हम तेल में इसे छानने लग जाते हैं उससे पहले आपने एक काम करना है दो मिनट के लिए इसे फ्रीजर में छोड़ देना है तेल में बिल्कुल नहीं डालना है ये बहुत ज्यादा तेल पिएगी तो जब भी आप पूड़ी बना ले दो मिनट के लिए आप इसे फ्रीजर में छोड़े उसके बाद में फ्रीजर से निकालते ही आप इसे तेल में फ्राई करते जाइएगा अब पूछेंगे इससे क्या फायदा होने वाला है उल्टा इससे फ्रिज में पूरिया ठंडी हो जाती है पूरी तो ठंडी होगी ही होगी पर ये जो पूरिया है ना ये बिल्कुल भी तेल नहीं पिएगी यानी कि जो पूड़िया होती है हमने देखा ज्यादातर पूड़ियों को जब हम तोड़ते हैं उसके अंदर तो तेल निकलता ही निकलता है ऊपर भी इतना ज्यादा तेल होता है कि इतनी ज्यादा चिपचिपी होती है ज्यादातर लोग नहीं खाना पसंद करते हैं क्योंकि आजकल हर कोई डाइट फॉलो करता है और इस तरह की चिपचिपी तेल ऑयली चीजों को खाना अवॉइड भी करता है तो देखिये हम महिलाओं का होता है कि बच्चे हैं बड़े हैं सबको हम पूरिया खिलाए या बहुत अच्छा टेस्टी खाना खिलाए तो उसमें हम पूड़ियों को जरूर ऐड करते हैं तो इसी डीप फ्राई करना होता ही होता है पर एक कम से कम तेल पिए इसके लिए आपने फ्रिज वाले ट्रिक को यूज करना है बस तलने से पहले दो मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए जितना भी इसके ऊपर की परत है वो अच्छे से कड़ी हो जाएगी जिसकी वजह से ये बहुत कम तेल पिएगी तो देखिए यहाँ पर पूड़ी को मैंने छान लिया है इसमें आप देख सकते हैं तेल ना के बराबर है आप इसे कुछ सेकंड के लिए प्लेट में छोड़िए जितना तेल है ये भी अच्छे से सूख जाएगा तो तेल को कम से कम ऑब्जर्व करे पूड़ी इसके लिए आपने ये वाला ट्रिक जरूर करके देखना है तो आप देख सकते हैं इस पूड़ी ने भी बहुत कम तेल पिया है अब भी गर्मा गर्म मेरे पूड़ी छानी है और इन पूड़ी को मैं टच करके भी आपको दिखा रही हूं इन पूड़ियों के ऊपर आपको तेल नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मैं अपने हाथ भी आपको घुमा के दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तेल नहीं है तो इस तरीके से इसे कम चिपचिपी कम तेल पीने वाली पूरी बनाने के लिए इस ट्रिक को यूज करिएगा साथ में मैं पूरी को छानती भी जा रही हूँ ये गर्मा गर्म पूरी है और आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल ही तेल में नहीं है तो इस ट्रिक को यूज करते हुए आप पूड़ियाँ खिला सकते हैं ये बहुत कम तेल पीती है और बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती है तो बहना कमाल का है ज़रूर करके एक बार तो आप इसे देखिएगा